हेलो फ्रेंड, आरची गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कीटनाशक बनाना बता रही हूँ। एक कॉपर का पॉट है, इसमें मैंने 10 दिन से छाछ को भर के रख दिया है। आप ज़्यादा दिन भी भर के रख सकते हैं। छाछ को फिर से 1 लीटर पानी में इसको छानना है। के बाद आपको स्प्रे बोतल में आप इसे डाल दें। डालने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा पत्ता जो है मुड़ा मुड़ा हुआ है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा है। ये येलो कलर का गुड़हल का फूल है। ये जितना भी पत्ता मुड़ा हुआ है, इसके छिड़काव से ये पत्ता जो है पूरा हेल्दी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। इसको हर 15 दिन पर इसका छिड़काव करने से जितने भी इसमें एफिड्स लगे हुए हैं, मिली वग या कुछ भी है, पेस्ट लगे हुए आपके पौधों पे, ये सब हट जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये मेरा 6 महीना पहले का गुड़हल का फूल है। इसे बहुत सारा कली भी आया हुआ, इसमें कोई भी मतलब कि पेस्ट नहीं लगा हुआ, पेस्ट कोई भी मिली वग वाइट एफिड किसी तरह का भी प्रकोप इस पर नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी पौधा है। इसका पत्ता भी देखिए आप, मुड़ा हुआ नहीं है। इसे बहुत सारे कली भी आए हुए हैं। इस तरह से बना करके हर 15 दिन पर अपने फूलों पर या टमाटर के पौधे, मिर्ची के पौधे, हर तरह के फूल फल पर, सब्जी पर भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है। और इसके छिड़काव से आपको किसी भी पत्ते को या फूल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसका छिड़काव हमेशा शाम के वक्त सूर्यास्त होने के बाद ही इसका छिड़काव करें, या तो अर्ली मॉर्निंग इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इसका छिड़काव हर 15 दिन पर करें। इसके छिड़काव से आपका पत्ते भी बर्न नहीं होंगे। देखिए एकदम पत्ता कितना इसका हेल्दी है, चमक है इसके पत्ते पर। मैं आपको और भी गुड़हल का पेड़ दिखाती हूँ। का गुड़हल का पौधा है, देख सकते हैं आप इसको। इसमें भी किसी तरह का कोई भी मुझे का प्रकोप या किसी तरह का एफिड्स का प्रकोप नहीं है। ये भी बहुत ही हेल्दी पौधा। मैं हमेशा ही इसका 15 दिन पर इसका छिड़काव करते रहती हूँ। इसका छिड़काव हमेशा पत्तों के पीछे में भी करें, क्योंकि पत्ते के पीछे ही किसी तरह का व्हाइट कलर का स्पाइडर भी रहेगा, वो भी हट जाएगा, भाग जाएगा। और इसके छिड़काव से आपके पत्ते जो है ना, ये सब बहुत हेल्दी रहेंगे और बर्न भी नहीं होंगे। ये देखिए मेरा पिंक कलर का उड़ रहा है, खिल के खत्म भी हो गया है। ये मेरा गेंदा का पौधा भी है, इस पर भी मैं हर 15 दिन पर इसका छिड़काव करती रहती हूँ। ये देखिए मिर्ची का पौधा है, हाँ।
ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है मैरून कलर का, इसमें भी कली देख सकते हैं। ये देसी रोज है, अब इसे हर 15 दिन पर बना करके इसका छिड़काव करते रहेंगे, आप किसी भी पौधे का कोई भी एफिड्स नहीं लगेगा और नहीं पत्ते बढ़ने होंगे। हमेशा ही किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव सूर्योदय होने के बाद, शाम 6 बजे के बाद या अर्ली मॉर्निंग आप करें। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।